अरे ना, आपने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया था, पर्सनली तो नहीं मुझे दिखा कोई? अरे ग्रुप पे आना, ग्रुप पे भेजा था क्या? अरे विल चेक, अरे विल चेक, ठीक है चलिए। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट आवर 8th लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट अगेन गुड आफ्टरनून एवरीवन, टुडे इज 10th ऑफ मई। Today is 10th of May 21, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग लास्ट डे के जो चार पॉइंट्स आपने लिखे थे, एक बार उनके एक्सप्लेनेशन के साथ पूरी क्लास को शुरू करता हूं। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की आप प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा था, पहली प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था कि फील्ड लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। ये पहला पॉइंट था, याद करो, कॉपी में लिखा हुआ है आपके, ठीक है? मैंने बताया था आपको कि किसी एक पॉइंट पे अगर हम देखें, तो एक पॉइंट पे अगर आपको डायरेक्शन पूछेगा जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि एक टेंजेंट इस पे ड्रॉ कर दोगे और एक टेंजेंट इस पे ड्रॉ कर दोगे, इस पे ड्रॉ कर दोगे। यानी एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन होंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। हम भी क्या एक जगह पे दो डायरेक्शन में चल सकते हैं क्या? नॉट पॉसिबल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक जगह पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, ये आपके कॉपी में लिखा हुआ है, तो आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाते हैं, यानी वो पॉजिटिव से नेगेटिव तो चला जाएगा, लेकिन वो फिर नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आएगा, वो फिर से वो पॉजिटिव से नेगेटिव ही जाएगा। वो क्लोज्ड लूप कभी नहीं बनाएगा, यानी कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज्ड लूप नहीं बनाते हैं, हमेशा ओनली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप, जो हम आगे पढ़ेंगे। दो पॉइंट हो गया, ये सब कॉपी में लिखा हुआ है आपके। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड और स्टार्ट परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे बहुत काम आने वाला है। मान लीजिए कि हमारे पास एक कंडक्टर है, और कंडक्टर की जो सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसके अंदर भी कोई चार्ज रख दोगे तो भी वो चार्ज सब सारा का सारा चार्ज बाहर ही आ जाएगा। कोई चार्ज कभी भी कंडक्टर के अंदर रिसाइड नहीं करता, तो सारा का सारा चार्ज कहाँ गया? बाहर आ गया। तो कोई अगर ये कंडक्टर है, तो इसके सरफेस पे अगर फील्ड देखेंगे तो हमेशा कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा, हमेशा सरफेस से क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कनेक्शन सरफेस के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है? इसका रीजन भी हम आगे जाके पोटेंशियल में पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कंडक्टर्स के अंदर एंटर नहीं करते हैं। तो आप कंडक्टर के बारे में अभी अभी पढ़े हो कि सारा का सारा चार्ज कहाँ रहता है? सारा का सारा चार्ज बाहर रिसाइड करता है, इसका सारा का सारा चार्ज बाहर कंडक्टर का रिसाइड करता है। जब सारा का सारा चार्ज बाहर रिसाइड करता है, तो अंदर में भी फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, वो जीरो होता है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो फील्ड लाइंस क्यों पास करेगा, एंटर करेगा? इसीलिए कहते हैं कि फील्ड लाइन जो होता है, सब बाहर से ही ओरिजिनेट और एंटर करता है, अंदर में एंटर नहीं करता है। तो कह सकते हैं नो फील्ड लाइंस। कंडक्टर के बारे में थोड़ा हम एक्स्ट्रा जान लेने जरूरी है, नो फील्ड लाइंस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, थोड़ा और अगर पॉइंट ऐड करते हैं हम लोग, अगर थोड़ा हम लोग और पॉइंट ऐड करते हैं, तो एक आध पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। ये सब लिखा हुआ था अभी तक, अगला वाला लिखा हुआ नहीं है, ठीक है? तो लिख सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस। ये ब्रेक नहीं होता है, ये आर कॉन्टिन्यूअस, ये इंफिनिटी तक चलता जाएगा, ये इंफिनिटी तक चलता रहेगा, ये ब्रेक नहीं होता है, कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस इन नेचर होते हैं, याद रखना है आपने को। तो ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज है। एक पॉइंट और है, हो सकता है आपके कॉपी में लिखा हुआ भी हो, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स originate from positive charge
charge and enter 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 नेगेटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज के अवे और नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स, एंड एंटर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लिख लीजिए इन दोनों पॉइंट्स को। क्योंकि हम जानते हैं कि पॉजिटिव के अवे होता है, ये कॉपी में लिखा हुआ है नोट्स में आपके, और नेगेटिव के टुवर्ड्स होता है, नेगेटिव के टू वर्ड्स होता है, ठीक है, इतना हम जानते हैं। सो जस्ट नोट इट डाउन। यही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, आप इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं कितना आप लोगों से बन पाता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे, ताकि आप लोग को वो फायदा भी बहुत हो और आप समझ भी रिलेट भी कर पाओ, ठीक है। देखते हैं आप प्रॉपर्टीज कितना आपके दिमाग में है, ठीक है, लिख लिया सबने तो बता देना, इफ रिटन दिस नोट लेट मी नो। वेरी गुड अनिमेश, आर्यन, नीलू, डन, वेरी गुड। दो पॉइंट लिखा है, अरे कंटिन्यूअस इन नेचर, ये कंटिन्यूअस वाला वर्ड ठीक लिखा हूं, ठीक कर देता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन दिया हुआ स्क्रीन पे, सब लोग ट्राई करें इसको, सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। Everyone try this question, which of the following curves possibly represent electric field lines? कौन सा field line सही है ये बता दो बस मुझे, curves cannot possibly represent, कौन सा field line गलत है, कौन सा field line गलत है ये बताना है आपको, तीन दिए में आर्यन ने ए कहा है, अनिमेश, दीक्षा, दिव्यांशु, रोशन ने बी कहा है, आशुतोष ने ए कहा है, रिवांश ने बी कहा है, रितेश बी, नीलू बी, आयुष बी, हर्षित बी, निखिल बी, तो पूरा क्लास जो है ना मेजॉरिटी बी की तरफ जा रहा है, ठीक है। मैं बी को लेके ना थोड़ा क्लियर, आर्यन बी सेइंग बी, तो सबसे पहले तो बी वाला देख लेते हैं, ठीक है। बी वाला में कोई रीजन बताना चाहेगा क्या, बी वाला में कोई रीजन बताना चाहेगा क्या, एनीवन रेज योर हैंड, कोई बी वाले का रीजन बताना चाहेगा, एनीवन? रोशन हैज रेज रीजन, रोशन गो अहेड बताओ बी वाले का क्या रीजन सोच रहे हो, रोशन अब अनम्यूट कर दिया आपको। सर मतलब यहाँ पे नीचे आप देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव है और पॉजिटिव के पास फील्ड लाइन जा रहा है, लेकिन पॉजिटिव के तो अवे ना फील्ड लाइन जाता है। क्या आप दूसरा वाला जो मैंने रेड किया उसी की बात कह रहे हो क्या, कि नेगेटिव से पॉजिटिव पॉसिबल ही नहीं है? यस सर, और इसके नीचे भी ऐसा है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव ये भी गलत है, रिपल्सन होना चाहिए, फील्ड लाइन रिपेल करने चाहिए, यहाँ भी फील्ड लाइन क्या होने चाहिए, रिपेल करना चाहिए, सब गलत है ना, दो पॉजिटिव के बीच फील्ड लाइन तो ऐसे होने चाहिए ना, ठीक है, क्लियर है सबको? तो बी तो देखो सरासर गलत है भाई, हाँ दीक्षा, ये तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है ये गलत है ही, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में अभी अवे होना चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में अवे होना चाहिए, तो ऐसे हर तरीके से गलत है। लेकिन आर्यन ने ए कहा था, आर्यन अनम्यूट कर रहा हूं, आर्यन ए बताओ ए क्यों बोला था, ए क्या, ए के बारे में क्या थॉट है आपका, कोई चांस लग रहा है गलत हो सकता है? सर कुछ लाइंस देखने में लग रहा था कि परपेंडिकुलर नहीं है, बात कर रहे जो मैंने रेड किया है, yes, ये आगे जाके ये कट भी कर सकते हैं क्या एक दूसरे को, yes, इंटरसेक्ट कर सकता है क्या फील्ड लाइंस,
और आपका बिल्कुल सही है, परपेंडिकुलर तो दिख नहीं रहा सरफेस के, क्या ये सरफेस के परपेंडिकुलर दिख रहा है क्या? नहीं। तो सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है तो हम क्या ये नहीं कह सकते कि ये भी गलत है और ये भी गलत है, दोनों गलत है? बोलिए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ए भी तो गलत है, क्या आप लोग अग्री करते हैं? क्या मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं रोशन एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक अंदाजा तो लगा ही सकते हैं, एक अंदाजा तो रोशन लगा ही सकते हैं कि ये वाला परपेंडिकुलर नहीं है। एक फिगर को देख करके जब बताना है अपने को, तो ये वाला क्या परपेंडिकुलर है क्या सरफेस के किसी हालत में? रोशन नहीं। और दूसरी बात उसको भी छोड़िए, क्या ये दोनों बाद में जाकर के इंटरसेक्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं क्या? क्योंकि फील्ड लाइंस तो कंटिन्यूअस होता है, फील्ड लाइंस तो कंटिन्यूअस होता है, ये तो इंफिनिटी तक जाएगा, तो क्या यहां पे ये कट नहीं कर जाएगा क्या, आगे इंटरसेक्ट नहीं कर जाएगा क्या? बोलिए, क्लियर है? वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव अहेड। निमेश, अभी क्लास के बीच में करूं चेक, क्लास के एंड में करता हूं चेक, पहले ये तो कर लेते हैं। चलिए, सी पार्ट बताइए, सी तो सही लग रहा है ना, दो पॉजिटिव पॉजिटिव अवे है, बीच में बताया था कि फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, फील्ड लाइंस रेपेल कर रहे हैं, सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बात कीजिए, डी और ई के बारे में बताया जाए जल्दी, डी और ई में कौन सा इनकरेक्ट है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, डी और ई, निमेश जो आप आर्यन ने भेजा, हाँ आर्यन जो आपने भेजा है, आर्यन ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा ना, क्या दिक्कत है? आर्यन जो आपने भेजा है, ये डी और ई है, तो पहले तो सी और डी है ही नहीं, देख लीजिए एक बार। आर्यन जो आपने भेजा है मुझे, वो तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर किया तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया, क्या दिक्कत है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले काफी लोगों ने जो रिप्लाई किया है, काफी लोगों ने रिप्लाई किया है डी को लेके, तो बहुत क्लियर है ये, इंटरसेक्ट वाला ही मसला क्लियर कर दे रहा है। और इंटरसेक्ट का क्यों दिमाग लगा रहे हो? ये पॉजिटिव पॉजिटिव तो अवे होगा ना, पॉजिटिव पॉजिटिव तो अवे होगा, ये टुवर्ड्स कैसे हो जाएगा? तो डी तो हर लिहाज से गलत है, ठीक है, डी तो हर लिहाज से गलत है, पर रिवांश ने, रोशन ने कहा है ई करेक्ट है, रोशन ने कहा है ई करेक्ट है, दीक्षा ने कहा है दोनों रॉन्ग है। मेरा ई को लेके पॉइंट है, डी तो चलो बहुत क्लियर है, डी तो चलो बहुत क्लियर है कि हर लिहाज से गलत है, ठीक है, लेकिन ई का मुझे बताइए आप लोग, मुझे आप लोग ई का बताइए, ई में क्या होगा, ई सही है या गलत है? एवरीवन गो फॉर ई। अनिमेश ने हैंड रेस किया है, अनिमेश पूछिए। सर सही है या गलत, इसमें ये पूछने से पहले, ये बताने से पहले हम ये पूछना चाहेंगे कि ये गोल गोल जो ये फील्ड लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है एक, वो मतलब गोल गोल जा रहा है, हाँ फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट किया गया, इसके वजह से बीच में कैसा फील्ड लाइन बन रहा है। बिल्कुल सही है दीक्षा, लॉजिकली बिल्कुल सही है आपका बात, मैं गलत कहां का? आर्यन ये क्लोज लूप बन सकता है क्या? जो अनिवेश ने सवाल पूछा,
जो अनिमेश ने सवाल पूछा क्लोज लूप वाला, तो ये तो बहुत क्लियर है ना कि क्लोज लूप नहीं बन सकता है, बाकी सब कुछ सही था, लेकिन ये क्लोज लूप पॉसिबल है क्या? नहीं, तो ई भी गलत है। बोलिए क्लियर है क्या? संदेश, संदेश, अंशु, क्लियर है क्या? ई में प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाते हैं, तो यहां पे ये क्लोज लूप कैसे बना सकता है? नहीं बनाएगा, गलत है। ठीक बात, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करें सब लोग, एनसीईआरटी जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था वो, उससे सारी फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी जो होती है वो समझ में आ जाएंगे, वो कहीं से नहीं हुआ पर आ रहे हैं, लेकिन उसमें फिगर तो बना हुआ है ना, क्लोज लूप, तो क्लोज लूप तो हो नहीं सकता, ओरिजिनेट का हुआ वो एक अलग गलती है, हम जानते हैं पॉजिटिव से ओरिजिनेट और नेगेटिव के टर्मिनेट करेगा। चलिए ट्राई दिस क्वेश्चन, बड़ा आसान सवाल है, ये सबसे बनना चाहिए, आई थिंक मैंने क्लास में बता करवाया भी है, ये तो बहुत आसान सवाल है ये, कहां पे फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा सीधा बताना है, वेयर विल बी द फील्ड स्ट्रॉन्गर, वेयर विल द फील्ड बी स्ट्रॉन्गर, रेतिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना, ठीक है, ए पे ज्यादा हो, ए पे हमारा फील्ड का डेंसिटी स्ट्रॉन्गर होगा ना, सब लोग जो बता रहे हो, ए पे क्या फील्ड लाइन ज्यादा क्लोजर क्लोज नहीं है क्या एक दूसरे से, तो ए पे फील्ड लाइन ज्यादा क्लोज है, तो ए पर का फील्ड लाइन क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर, फील्ड कितना होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बी, क्लियर है क्या क्वेश्चन, क्या होना चाहिए, ये मस्ट बी ग्रेटर देन ई बी, अच्छा ये किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है, ये बी ऑप्शन में है, क्लियर है क्या, जहां पे फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां पे फील्ड लाइन का डेंसिटी ज्यादा होगा वहां पे फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, तो ए पे फील्ड लाइंस क्लोज क्लोज है, बी पे फील्ड लाइन थोड़े दूर दूर है, तो ए पे फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, बी पे फील्ड क्या होगा, वीक होगा, क्लियर है क्या सबको, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबने बी ही आंसर बोला था ऑलमोस्ट सबने, रोशन, अनिमेश, सबने बी बोला था, क्या सबको क्लियर है भाई, काफी लोग आंसर आ नहीं रहे, पता चला क्लास में ही घर पे फोन चला गया, जो लोग सो रहे हैं वो जाग जाए थोड़ा सा, सौरभ थोड़ा जाग जाओ, प्रत्युष, दोनों प्रत्युष, चलिए लेट्स स्टार्ट न्यू टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो इसके पहले हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे थे, इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ और नहीं बल्कि उसी का मेजरमेंट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इसका मतलब समझें अगर, तो ये सिंपल भाषा में अगर समझाऊं तो किसी भी एरिया से पास करने वाला नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन सेक्शनल एरिया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और कुछ नहीं, नंबर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं है, एक तरीके का नंबर है, और ये नंबर है अगर तो सीधा सीधा हम इसको कह सकते हैं कि इस चीज का नंबर जो होगा वो हमेशा कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, बिना कोई डाउट के ये कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी। तो सबसे पहले सब लोग डेफिनेशन लिखेंगे इसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन लिखें, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इन अ यूनिट टाइम, ये गलत है, गिवन एरिया इन अ यूनिट टाइम नहीं होगा,
is defined as electric flux. ठीक है, शोएब फ्लक्स का मतलब होता है नंबर, फ्लक्स का नंबर मतलब होता है नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन भी होता है, इट इज सिंपली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया. अंशु पर यूनिट टाइम को भूल जाइए, यूनिट टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम का कोई कंसिडरेशन नहीं हो, गलत लिखा हुआ है, मैंने हटा दिया उसको. ठीक है, सिंपल सा अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए कि मेरा हाथ एक एरिया है, तो इस एरिया से कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. क्लियर है क्या अंशु? सीधा सवाल कि इससे कितने फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, बस नंबर कितना, गिनती कितनी होगी, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स. इज इट क्लियर? ठीक है, सब लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन लिखें, सब लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन लिखें, फिर मैं इसके मतलब को समझाऊंगा. फिगर तो मैंने समझाया ही नहीं रोशन अभी तक, फिगर तो मैंने समझाया ही नहीं अभी तक, फिगर समझाऊंगा अभी. एक एक सिंपल सी बात करते हैं पहले, पहले जो हम बात करना चाहते हैं एरिया के बारे में. क्लास 11th में आपने एरिया के बारे में आपको बताया गया होगा कि एरिया एक तरीके का वेक्टर क्वांटिटी होता है. एरिया जो होता है वो एक तरीके का कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ना कि स्केलर क्वांटिटी. तो क्या फायदा है इसे एरिया देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा हम लोग. तो एरिया की बात करते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग लिखते हैं एरिया के बारे में, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया is a vector quantity. अब आपके मन में एक सवाल आता है कि सर अगर एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एरिया के पास अपना डायरेक्शन भी होना चाहिए, बिना डायरेक्शन का तो काम चलेगा नहीं. तो याद रखिएगा एरिया का डायरेक्शन क्या होता है. मान लीजिए कि आपने एक सरफेस लिया, इसका एरिया होगा 2 meter square, 3 meter square कुछ एरिया होगा. तो अगर इसका आपको डायरेक्शन देखना है तो कुछ नहीं, इस सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, दैट इज इट्स डायरेक्शन. मैं अगर एक और एरिया लूं, सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लूं एक एरिया, तो एरिया का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, ठीक उसके परपेंडिकुलर एक लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, उसका डायरेक्शन. क्लियर है? गौर से देखिएगा, ये मेरा हाथ क्या है, मेरा हाथ मान लीजिए एरिया है. तो अगर इसका कोई डायरेक्शन पूछेगा तो कैसे डायरेक्शन निकालोगे, ठीक है, ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन हमने बना दिया है, दैट इज कॉल्ड इट्स डायरेक्शन. इज इट क्लियर? क्या सबको, क्या सबको ये क्लियर है एरिया का डायरेक्शन? क्या मुझे बताइए सबको ये समझ में आ गया है क्या कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी और उसका डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, या डायरेक्शन उसका क्या होता है, डायरेक्शन अगर देखूं मैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्लियर है? रोशन ने बोला है कि सर परपेंडिकुलर तो ऊपर और नीचे दोनों हो सकता है. ठीक है, देखो हम लोग जनरली एरिया की बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं पर्सपेक्टिव पे. अगर हम एरिया को इधर से देख रहे हैं तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस साइड होगा. अगर हम एरिया को इधर से देख रहे हैं तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस साइड होगा. तो एरिया का जो डायरेक्शन देखते हैं तो हम दोनों साइड के पर्सपेक्टिव में देखते हैं हमेशा, हमेशा एरिया को हम लोग पर्सपेक्टिव में देखते हैं, किस साइड से हम ऑब्जर्व करेंगे. क्लियर है क्या? इज इट क्लियर रोशन? एरिया समझ में आ गया, एरिया एक तरीके का वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चलो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया के पास डायरेक्शन है, लेकिन हमें क्या, हमें एरिया से क्या लेना देना है, समझते हैं. तो अब हमने एक, अब उस फिगर के तरफ जाते हैं. हमने क्या बोला कि आपके पास ने एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने रखा हुआ है, मान लीजिए कुछ ऐसा जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं. ठीक है, अब हमने क्या एक एरिया रख दिया, एरिया कैसा सरफेस रख दिया, कुछ ऐसे सरफेस रख दिया. अच्छा, इस सरफेस से सबसे पहले तो हमको एरिया ड्रॉ करना पड़ेगा, एरिया का वेक्टर तो कैसे होगा, कुछ परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, ड्रॉ कर दिया हमने. तो हमने क्या देखा कि एरिया और ई के बीच में एक एंगल बन रहा है थीटा, दोनों एक एंगल पे सीधे सीधे पैरेलल नहीं है. ठीक है, यानी मैं अगर इसको सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूं तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि मान लीजिए
मान लीजिए एक एरिया है, मान लेते हैं ये एक एरिया है, सिंपल सिंपल भाषा में ये एक एरिया वेक्टर है, और मान लेते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड जो है वो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम अगर निकालना चाहते हैं इस एरिया से फ्लक्स, हम क्या निकालना चाहते हैं, इस एरिया से पास करने वाला नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्लक्स। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट A, याद रखिएगा E डॉट A, क्लियर है? E डॉट A का मतलब क्या हो गया, E डॉट A का मतलब कितना हो जाएगा, E डॉट A का मतलब हो जाएगा फ्लक्स इक्वल्स टू E into A into cos theta। Is it clear to all of you? EA cos theta. Is it clear? याद करो A dot B, पढ़ा था अपने वेक्टर में पढ़ा होगा, A dot B equals to क्या होता है, A into B into cos theta। याद कीजिए दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था हमने, क्लियर है क्या, डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ा था हमने। तो यही होता है किसी भी एरिया से पास करने वाले फ्लक्स को निकालने का फॉर्मूला, फ्लक्स इक्वल्स टू E डॉट A। अगर मैं बात करूं इसके यूनिट के बारे में, फ्लक्स के यूनिट के बारे में अगर बात करूं, कितना यूनिट होगा फ्लक्स का, तो बहुत क्लियर है E by E into A है। तो E का सबको पता है क्या होता है, न्यूटन पर कूलम और इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्लियर है क्या, दैट विल बी इट्स SI यूनिट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ए क्या है, एरिया, और थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल, ई ए कॉस थीटा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? याद रहेगा सबको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब क्या होता है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। फ्लक्स निकालते कैसे हैं, तो ई ए कॉस थीटा से। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको मेरी बात क्लियर है? क्लियर है तो सब लोग इसको साफ साफ लिखेंगे, पहले डायग्राम बनाएंगे, चाहे तो वो डायग्राम बना लो जो मैंने बनाया है, चाहे तो वो भी वही डायग्राम बना लो जो मैंने बनाया है, ठीक है, वो भी डायग्राम सही है। ई है, ए है वेक्टर, दो वेक्टर है, दोनों के बीच एंगल थीटा, तो फ्लक्स होगा E ए कॉस थीटा। सब लोग नोट डाउन करें, नोट डाउन करके बताएं, लिख लिया हो तो। जस्ट नोट इट डाउन, फिर हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। अनिमेश याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जन रिवांश, रिवांश लिख लिया, वेरी गुड। ओके जल्दी लास्ट 30 सेकंड्स, मुझे लगता है ज्यादा इतना तो कुछ लिखना नहीं है। फ्लक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है।
अनिमेश व्यक्ति अनिमेश ये पढ़ा अनिमेश नंबर मैं बोलू आपके पास चार बुक्स हैं तो जो चार आपने बोला क्या उसके पास कोई डायरेक्शन भी है क्या? अनिमेश ने पूछा है कि क्या कैसे सर स्केलर क्वांटिटी कैसे? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि मान लीजिए कि आपके पास कोई चार बुक्स हैं तो चार के पास कोई डायरेक्शन है क्या? नंबर का कोई डायरेक्शन थोड़े होता है. नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इट इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कुछ स्पेशल केसेस देखने की हम कोशिश करते हैं. ठीक है, उससे हमारा ये टॉपिक और ज्यादा एस्टेब्लिश होगा. ठीक है, तो केस वन बात करते, स्पेशल केसेस बात करते. केस वन में बात कर रहा हूं कि मान लीजिए हमारा थीटा जो हो जाए वो जीरो डिग्री हो जाए. थीटा हमारा जीरो डिग्री हो जाए तो उस वक्त क्या होगा? जीरो डिग्री होने पे तो उस वक्त हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारा एरिया कुछ ऐसा है, एरिया हमारा कुछ ऐसा है, इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है, ऐसा. ठीक है, और हमारा जो फील्ड है किधर है? ई कुछ ऐसा है. तो दोनों के बीच थीटा जीरो हो जाएगा. तो इस वक्त जो होता है हमारा फ्लक्स जो होता है किसी सरफेस के थ्रू वो मैक्सिमम होता है. फाई कितना होगा हमारा? मैक्सिमम होगा. और कितना होगा मैक्सिमम? कितना होगा? ई ए कॉस फाई. ई ए कॉस फाई यानी ई ए कॉस जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा? ई इंटू ए. ये हमारा मैक्सिमम फ्लक्स जो पास करेगा किसी भी एरिया से वो ये होगा, ई इंटू ए. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैक्सिमम फ्लक्स जो पास करेगा किसी एरिया से वो क्या होगा? ई इंटू ए. ठीक है, एक और केस लेते हैं हम लोग, एक और केस लेते हैं. ध्यान से सुनते चलो, एटलीस्ट लिखने में लिखना कोई बड़ी चीज नहीं है. केस लिखवा तो देखने का टाइम देंगे ही. केस टू, मान लीजिए कि थीटा आपका 90 डिग्री हो रहा है. कैसा होगा हालत? तो मान लीजिए कि आपका एरिया जो है कुछ ऐसा है, एरिया कुछ नीचे सरफेस पर रखा हुआ है. ठीक, एरिया का डायरेक्शन वेक्टर कुछ ऐसा होगा, एरिया वेक्टर. एरिया का डायरेक्शन क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है. और हमारा ई कुछ ऐसा है, मान लीजिए हमारा ई कुछ ऐसा है, हॉरिजॉन्टल टू द सरफेस. तो इस केस में थीटा तो 90 हो गया, तो इस केस में हमारा जो फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? जीरो. कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? जीरो. और दिख भी रहा है, दिख भी रहा है कि कोई भी हमारा फील्ड पास नहीं करेगा सरफेस से. रोशन, आपने पूछा सर कॉस थीटा होगा ना, कहां पे कॉस थीटा होगा? कॉस थीटा, अच्छा यहां पे. ठीक है, ठीक है रोशन, चलिए. इज इट क्लियर? क्या ई ए कॉस थीटा, थीटा इक्वल जीरो है तो कॉस जीरो का वैल्यू कितना हो गया 1. क्या ये दो केस समझ में आया? क्या जीरो डिग्री पे मैक्सिमम, 90 डिग्री पे कितना हो जाएगा फ्लक्स? कितना हो जाएगा? जीरो. क्लियर है क्या? अब केस थ्री की बात करते हैं हम लोग, थर्ड केस की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी. केस थ्री एंड फोर याद रखिएगा कि अगर आपका थीटा जीरो से लेकर के 90 के बीच में है अगर, तो उस वक्त हमारा जो कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा जो होगा वो हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा. कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा. तो कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो हमारा ईए भी क्या होगा, हमारा फ्लक्स भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा. और अगर हमारा फ्लक्स पॉजिटिव होगा, इसका साइंटिफिक मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फील्ड लाइंस इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सरफेस. या कह सकते हो कि फील्ड लाइंस ऑरिजिनेटिंग
फ्रॉम द सर्फेस. क्लियर है क्या? डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन सेम होगा डायरेक्शन ऑफ एरिया. नहीं रोशन, फील्ड लाइंस का डायरेक्शन तो फील्ड के अलॉन्ग होगा ना, उसका फील्ड लाइंस के डायरेक्शन के पीछे क्यों पड़ेंगे हम लोग, वो तो फील्ड के अलॉन्ग होगा. वो तो हमने देखा ना, एरिया के का डायरेक्शन अलग है, फील्ड लाइंस का डायरेक्शन अलग है. फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देखने का मतलब फील्ड को देखना है. ठीक है, तो ये आपका केस थ्री हो गया. अब बात करते हैं केस फोर की. अगर मान लीजिए कि 90 से लेके आपका थीटा जो है वो 180 डिग्री के बीच में हो, 180 डिग्री के बीच में हो मान लीजिए, तो इस केस में आप क्या कह सकते हो. मान लीजिए मैं केस थ्री का एग्जांपल दे रहा हूँ. ठीक है, केस थ्री का एग्जांपल कुछ ऐसे है. ठीक है, कुछ ऐसे फील्ड लाइन ओरिजिनेट कर रहा है सरफेस से. केस फोर की बात करते हैं, इस केस में हम थीटा 90 से 180 है मान लीजिए आपका, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि हमारा जो एरिया है उसके अंदर फील्ड लाइंस एंटर कर रहे हैं. ठीक है, इस केस में हमारा कॉस थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा और हमारा फाई फ्लक्स भी टोटल क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, और इस केस में हम अज्यूम करते हैं नेगेटिव फ्लक्स का मतलब होता है फील्ड लाइंस एंटरिंग द सरफेस. याद रखिएगा आज के बाद कि जो फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. फ्लक्स अगर पॉजिटिव है इसका मतलब कि सरफेस के बाहर जा रहा है, फ्लक्स अगर नेगेटिव है मतलब कि सरफेस के अंदर एंटर कर रहा है. क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? अगर मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा मतलब सरफेस के अवे जा रहा है. मान लीजिए कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव होगा इसका मतलब सरफेस में एंटर कर रहा है. क्या ये क्लियर है? जल्दी से ये चारों केसेस को लिखिए. जस्ट नोट इट डाउन. हो गया दीक्षा? वेरी गुड. फॉर्मूला याद रखना है बस, ई डॉट ए, इतना ही है इसमें. किसी को भी डॉट प्रोडक्ट में दिक्कत है तो मैं बता देता हूं, ध्यान दे दो यहां पे. याद रखिएगा, मान लीजिए कि अगर मैं डॉट प्रोडक्ट अलग से बता दे रहा हूं, मान लीजिए कि आपके पास कोई ए वेक्टर आ गया, ए वेक्टर हो गया ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप. मान लीजिए एक और वेक्टर हो गया बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. मान लीजिए अगर मैं कह रहा हूं कि ए डॉट बी कितना होगा, कुछ नहीं करना है, x वाले को x के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा a into x, y वाले को y के साथ कर दीजिए b into y, z वाले को z वाले के साथ कर दीजिए c into z, खत्म. क्लियर है क्या? ये याद रखना चाहिए बस. डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? x वाला x के साथ, y वाला y के साथ, z वाला z के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना सीधा सीधा. ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चंस. ट्राई दिस. सब लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, सीखना है अपने को. आपका सबसे बड़ा मसला एरिया ही है, एरिया कैसे लिखें और कितना लिखें.
नॉट फील्ड, try this question. सिर्फ लॉजिक पकड़ना है कि एरिया को कितना लिखेंगे. मेरा एरिया वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है. हमारा एरिया जो है वो वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है. तो इस वाई जेड प्लेन में लाई करेगा तो इसका परपेंडिकुलर किधर होगा? इसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आ रहा है? एरिया का, एरिया का डायरेक्शन किस एक्सिस के अलोंग आ रहा है? वेरी गुड आयुष, एक्स एक्सिस के अलोंग एरिया आ रहा है क्या? क्या एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है क्या? तो क्या हम कह सकते हैं कि जो हमारा एरिया वेक्टर है इज इक्वल टू 0.2 i कैप? बोलिए, क्या हम कह सकते हैं क्या कि एरिया वेक्टर इक्वल टू 0.2 i कैप होगा? क्लियर है? एरिया वेक्टर जो होगा वो 0.2 i कैप होगा, पहली चीज. ठीक, हमारे पास ई दिया हुआ है. क्या ई दिया हुआ है? 3/5 ई नॉट आई कैप प्लस 4/5 E not J cap. हो गया. मुझे क्या चाहिए? मुझे फ्लक्स चाहिए. और फ्लक्स कितना होता है? E dot A. E dot A. क्लियर है? देखते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, कितना हो जाएगा? I वाला I के साथ, X वाला X के साथ, यानी 0.2 × 3/5 E not. J तो है ही नहीं, तो गया बाकी सब चीज, जीरो. सॉल्व कर लीजिए ना, सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा? 0.2 कितना हो जाएगा? 1/5 × 3/5 ई नॉट का वैल्यू 2 × 10³. कितना होगा? 200 हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा, 40 हो जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा? 240 Nm² per कूलम. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? मैंने बोला ई डॉट ए करना है. अपने पास, हमारे पास ई वेक्टर पता चल चुका है, हमारे पास एरिया वेक्टर पता चल चुका है. एरिया वेक्टर निकालने में ही दिमाग लगाना था, किधर होगा? वाई जेड के परपेंडिकुलर कौन सा होता है? एक्स प्लेन होता है, एक्स एक्सिस होता है. तो एक्स एक्सिस ई भी दिया हुआ है क्वेश्चन में. फ्लक्स इक्वल्स होता है ई डॉट ए, मतलब एक्स वाला एक्स के साथ, वाई वाला वाई के साथ, जेड वाला जेड के साथ. Z तो दोनों में नहीं है, Y वाले में A में जीरो है, कुछ तो है नहीं. जीरो इंटू कुछ भी करेंगे वो क्या हो जाएगा? जीरो ही हो जाएगा. क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये क्लियर है? तो ही अगला क्वेश्चन बनेगा. ये अगर नहीं क्लियर होगा तो अगला क्वेश्चन नहीं बनेगा. अंशु बोला नहीं समझा. अंशु, मैंने बोला कि क्वेश्चन बोल रहा है कि एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया 0.2 m² पैरेलल टू वाई जेड प्लेन. अच्छा, वाई जेड प्लेन में है तो आप जानते हो, ये फिगर दिख रहा होगा आपको, तो इसका एरिया का डायरेक्शन किधर होगा? एक्स एक्सिस के अलोंग होगा क्या? आप मुझे बताओ, एरिया का डायरेक्शन क्या एक्स एक्सिस के अलोंग होगा क्या?
तो याद करिए एक्स एक्सिस के अलोंग अगर कुछ चीज रिप्रेजेंट करनी हो तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप से। एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा 0.2 आई कैप, पहले चीज एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा 0.2 आई कैप, यही सबसे मेन काम था। दूसरा, क्वेश्चन में फील्ड दिया हुआ है, मुझे फ्लक्स चाहिए, फ्लक्स के लिए क्या करते हैं ई डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ये भी बताया था जो मैंने बोला कि एक्स वाले को एक्स के साथ मल्टीप्लाई, तो यहां पे एक्स कितना है ये 3.5 वी नॉट इनटू ये कितना है 0.2, क्लियर है, एक्स वाले का एक्स के साथ प्लस वाई वाले का वाई के साथ, दूसरे वाले में वाई है ही नहीं, जेड तो दोनों में ही नहीं है, जीरो हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई किया तो फाइनली ई नॉट का वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया हुआ था 2 × 10³ न्यूटन मीटर, ठीक है 2 न्यूटन पर कूलम, क्लियर है, वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया। अंशु समझ में आया क्या? ये अगर समझ में आ गया है तो अगला क्वेश्चन का आंसर मुझे सबसे चाहिए, ठीक है, चलो एवरीवन मुझे सबसे अगला आंसर चाहिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो जल्दी, देखते हैं कितने लोग रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, जल्दी रिस्पॉन्ड करना। ट्राई दिस, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, जो एरिया को सही रिप्रेजेंट कर लेंगे उनका क्वेश्चन बन जाएगा। आर्यन बिल्कुल सही है, I've got two answers. Pratik, बिल्कुल सही है। Himansh, very good. Ritesh, very good. Now answers are coming. Sab log, try kare. Koi jaldbazi nahi hai. निमेश बिल्कुल सही है, पर डायरेक्शन क्यों लिख दिया निमेश, के कैप क्यों लिखा है, शुभम गलत है, आयुष बिल्कुल सही है, वेरी गुड, आप लोगों के आंसर आ रहे हैं। अंशु भेजा है, अंशु किधर गया, अंशु सही है, वेरी गुड, वेरी गुड अंशु। सारा प्रॉब्लम का जड़ जो है ना वो एरिया ही है, एरिया बोल रहा है कि एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, तो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं तो 10 तो चलो मैग्नीट्यूड हो गया, पर डायरेक्शन क्या लिखे है इसका, क्या इसका डायरेक्शन के कैप लिख रहे हो क्या आप लोग, भाई एक्स वाई में है तो इसका परपेंडिकुलर किधर होगा, जेड के अलोंग होगा, के कैप लिखेंगे क्या, अगर मेरे पास ई वेक्टर है 2i-10j+5k, क्लियर है, तो फ्लक्स कितना होगा, ई डॉट ए होगा, तो सिर्फ i वाला जीरो हो जाएगा,
जे वाला भी जीरो हो जाएगा क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। के वाला में कितना होगा, 10 × 5 कितना हो जाएगा 50। फॉर्मूला क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इज इट क्लियर? क्या करेक्ट आंसर वुड बी 50, करेक्ट आंसर वुड बी 50। क्लियर है सबको? चलो देखते हैं ये कितने लोगों को समझ में आता है। बहुत कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं इसमें, कुछ सोचना है बस थोड़ा सा। देखते हैं कितने लोगों से सही बनता है ये। फ्लक्स का फॉर्मूला आप जानते हो, जस्ट यूज द लॉजिक। और किसी का लिखना बचा हुआ है तो भी लिख लो। एवरीवन ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आर्यन एक्सेलेंट, वेरी गुड। रिवांश गलती हो रहा है। रोशन थोड़ा सा स्लाइट मिस्टेक, न्यूमेरिकली तो करेक्ट हो। निमेश गलत है। रिवांश गलत, बट आप लॉजिकली सब लोग सही सोच रहे हो। एक तरीके से सब लोग लॉजिकली सोच सही रहे हो, आंसर्स भले गलत आए थोड़ा सा, बट यू आर ऑल ऑन राइट ट्रैक। सब लोग ट्राई करें। नहीं अनिमेश गलत है, रिवांश गलत है। फिर से मैं बार बार कह रहा हूं, इस सरफेस में एंटर कर रहा है, ये आपका फील्ड है। और आपका एरिया किधर होगा, हेमिस्फीयर का। हेमिस कभी कभी भी किसी भी सरफेस का एरिया हमेशा आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ। हमेशा एरिया जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, आउटवर्ड होता है। तो क्या रोशन इसका एरिया इधर हो जाएगा क्या? और इतना दिमाग क्या लगा ना, फील्ड लाइंस एंटर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। तो एरिया जो होता है वो हमेशा सरफेस के आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ होता है। एरिया हमने बना दिया, ई बना दिया। सबको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि थीटा जो है वो 180 है। लेकिन आप लोगों की जो गलती आ रही है वो एरिया में है। कौन से एरिया में ले? कई लोग तो ये वाला सर्फेस एरिया ले रहे हैं पूरा कब, लेकिन फील्ड एंटर किसमें कर रहा है? क्या फील्ड पाई आर स्क्वायर में ही एंटर कर रहा है क्या? बोलिए, क्या एरिया पाई आर स्क्वायर ही होगा क्या? तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि फ्लक्स इक्वल्स टू ई डॉट ए में इक्वल्स टू ई डॉट ए इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। ई कितना है, ई मेरे पास कितना है, समथिंग मान लेते हैं ई ही है। एरिया कितना है मेरे पास, पाई आर स्क्वायर है। और थीटा कितना है, कॉस 180 है। कितना हो जाएगा, माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर। इज इट क्लियर? क्या दीक्षा बिल्कुल सही है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको समझ में आ रहा है? मैंने बोला कि वो फील्ड एंटर कहां कर रहा है, कौन से एरिया में एंटर कर रहा है। तो जो सामने का फेस है हेमिस्फेयर का, वो तो रेडियस आर रेडियस का एक सर्कल ही तो है, उससे पास कर रहा है। तो एरिया सबसे पहले जो होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा, यही सबसे पहला चीज समझ लेगा। और दूसरी गलती जो आपसे हो रही है, जो ज्यादा लोग करेंगे वो गलती करेंगे एंगल का। तो एंगल में रोशन डाउट है, ठीक है रोशन अनम्यूट कर रहा हूं, पूछिए रोशन। सर क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब कि उसके कर्व सरफेस से पूछ रहे हैं ना,
तो हम लोग उसका सी एस ए निकालना पड़ेगा ना। अच्छा रोशन एक बात बताओ कि जो फील्ड एंटर उस सर्कुलर पार्ट से जो एंटर करेगा वही क्या उधर से भी बाहर भी निकलेगा? यस सर, लेकिन एरिया इधर हम लोग को मतलब वही ना लेना पड़ेगा। मैं ऐसा कह रहा हूँ, नंबर तुम सही कह रहे हो, मैं तुम कह रहे हो कि सर हमसे तो ये पूछ रहा है कि कर्व सरफेस एरिया से कित। रोशन का सवाल बिल्कुल वाजिब है, मैं आता हूं कि सर ये एरिया से कितना निकलेगा। अच्छा मैं बताऊ रोशन की जो पांच रुपए अगर आएंगे तो पांच रुपए जाएंगे, तो जितना एंटर करेगा उतना ही ना एग्जिट करेगा। यस सर, तो एंटर वाला निकाल दिया तो भी एग्जिट वाला नहीं निकल जाएगा। एग्जिट वाला मुश्किल है ना, हर जगह एंगल बदल रहा है। यस सर, परपेंडिकुलर नहीं है, है नहीं ना, तो आसान कौन सा है कि एंटर वाला निकाल दें। ये आपका सवाल बिल्कुल सही हो सही है वैसे कि सर ये तो एंटर करने वाला माइनस पाई आर स्क्वायर है, लेकिन इस कर्व सरफेस एरिया से देखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो प्लस हो जाएगा। ये आपका पॉइंट वाजिब है कि सर एक में माइनस है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, e इंटू पाई आर स्क्वायर कहेंगे। यहाँ पे सरफेस के लिए क्या कहेंगे, e इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भले एंटर माइनस कर रहा है लेकिन जो एग्जिट कर रहा है वो कितना होगा, e इंटू पाई आर स्क्वायर। बोलिए क्लियर है क्या सबको? क्वेश्चन में पूछ रहा है कर्व सरफेस से कितना निकलेगा, तो भाई जितना एंटर करेगा उतना ही एग्जिट करेगा। एंटर कितना कर रहा है, e माइनस पाई आर स्क्वायर, तो एग्जिट कितना करेगा, e पाई आर स्क्वायर। क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नए टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं हम लोग, गॉस लॉ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ क्वेश्चन का बहुत बड़ा सोर्स भी होता है, तो गॉस लॉ को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे हम लोग, देखते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए कि हमारे पास कुछ चार्जेस हैं, हमारे पास मान लीजिए कुछ चार्जेस हैं, ठीक है, से हमारे पास क्या है, कुछ इस तरह का एक चार्ज रखे गए, काफी सारे चार्ज रखे गए हैं मान लीजिए गॉस लॉ। ठीक है, हमने क्या किया कि हमने एक इसके अराउंड एक सरफेस बना लिया, क्लोज सरफेस बना लिया, जिसके अंदर हमने इसको इनक्लोज कर दिया, क्लोज सरफेस एक तरीके का। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे क्लोज सरफेस, या कहीं कहीं इसको गॉसियन सरफेस भी कहते हैं, क्लोज्ड और गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। ठीक है, बना लिया। तो गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है कि टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस, इस क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स होगा विल बी इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। गॉस लॉ के स्टेटमेंट को लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक, देखते हैं गॉस लॉ स्टेट्स दैट टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस to any closed surface is 1/ε0 times total charge enclosed within the surface. Enclosed within the surface. अब ये थोड़ा सा ना स्टेटमेंट पढ़ने में समझ में नहीं आता है चीज़, इसको थोड़ा मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करते हैं। तो मैथमेटिकली मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैथमेटिकली हम यहाँ पे कहना चाहते हैं
कि जो ये पूरा क्लोज सरफेस है इसके थ्रू जो टोटल नेट फ्लक्स होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। क्लियर? अब टोटल चार्ज इनक्लोज होगा कितना ये भी समझ लेते हैं। टोटल चार्ज इनक्लोज अंदर के सारे चार्जेस को जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा Q1 - Q2 + Q3 सबको जोड़ देते हैं -Q4 + Q5 + Q6। इज इट क्लियर? क्या मैं बड़े सिंपल भाषा में समझा रहा हूं कि इस पूरे क्लोज्ड सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स पास करेगा वो कितना होगा 1 εr times टोटल चार्ज इनक्लोज विद इन द सरफेस। थोड़ा और इसको अलग तरीके समझते हैं तो जितना ज्यादा अंदर में चार्ज होगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स पास करेगा। इज इट क्लियर क्या? एक सरफेस के थ्रू जो टोटल फ्लक्स पास करेगा फील्ड लाइंस पास करेगा वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर में कितना चार्ज है क्लोज सरफेस के। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? क्या नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 εr। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जानते हो? बताऊंगा नहीं। 8.854 × 10⁻¹². क्लियर है? तो 1 εr times टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। जल्दी से इसको आप लोग लिखिए फिर हम बात करेंगे आगे। हम इस टॉपिक को कई क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे पूरा। चलिए जल्दी से नोट डाउन करें सब लोग, फिर कोई दिक्कत होगी तो फिर हम आगे बात करेंगे। पूरा एक स्लाइड सिर्फ इसके इसको क्लियर करने के लिए और लेंगे अभी। दीक्षा आपका एक सवाल है कि ये कैसे डिराइव हुआ ये गॉस लॉ। याद रखिएगा गॉस लॉ जो डिराइव हुआ है वो एक्सपेरिमेंटली डिराइव हुआ है, लेकिन कूलम्स लॉ जो है वो गॉस लॉ से डिराइव हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा गॉस लॉ के अगर मैं स्टेटमेंट्स को बोलूं तो इसका काफी पार्ट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से कैलकुलेट हुआ है, लेकिन कूलम्स लॉ को हमने गॉस लॉ के मदद से ही डिराइव किया है। ठीक है, और इसके एक एक एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। और गॉस का जो सबसे बड़ा स्टेटमेंट वो ये नहीं था कि 1 εr times होगा। गॉस का सबसे बड़ा स्टेटमेंट था कि जो टोटल फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज इनसाइड होगा। जितना ज्यादा चार्ज अंदर में होगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स पास करेगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा गॉस लॉ को, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझाएंगे। टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 εr times टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। रोशन चार्ज दोनों तरीके से देख सकते हैं। एक ई डॉट ए से निकाल लेते थे आप, दूसरा क्लोज सरफेस है। याद रखिएगा रोशन सारे सरफेस के लिए बात नहीं कर सकते हम लोग, सिर्फ बात कर सकते हैं हम लोग क्लोज सरफेस के लिए। तो क्लोज सरफेस अगर होगा तभी हम कहेंगे ना ये गॉस लॉ लगाएंगे, अगर ओपन सरफेस होगा तो गॉस लॉ नहीं लगेगा रोशन। तो ये गॉस लॉ बात सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए ही करता है। ठीक है रोशन, अदरवाइज हर बाकी जगह पर हमको क्या करना पड़ेगा, ई डॉट ए ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब मैं आपको एक स्पेशल केस से समझाने की कोशिश करता हूं। होपफुली आप सबने लिख लिया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं।
मैं निगोश करता हूँ। मान लीजिए कि मैंने एक माइनस क्यू चार्ज लिया और एक प्लस क्यू चार्ज लिया, ठीक है। तो और मान लीजिए कि मैंने इसके आसपास गॉसियन सरफेस बना दिया है और मैं इस गॉसियन सरफेस में चेक करना चाहता हूं, ये क्या है गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो अगर मैं इस गॉसियन सरफेस पे गॉस लॉ लगाऊं, अगर मैं इस गॉसियन सरफेस पे गॉस लॉ लगाऊं, मैं क्या लिखूंगा, नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, ठीक है। टोटल चार्ज इनक्लोज्ड तो आप मानोगे कि जीरो है अंदर में, तो ये क्या टोटल फ्लक्स भी आपके हिसाब से जीरो हो जाएगा क्या? तो आप एक कंक्लूजन इसमें ड्रॉ कर सकते हो कि अच्छा इस सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स जो होगा वो जीरो होगा, इज इट क्लियर क्या? तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि इस सरफेस से कोई भी फील्ड लाइन पास नहीं करेगा? रिप्लाई ऑन चैट, क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि नेट फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब कि इस क्लोज सरफेस से या गॉसियन सरफेस से कोई भी फील्ड लाइन पास नहीं करेगा? रिप्लाई ऑन चैट, कैन वी से दिस, नो फील्ड लाइंस वुड पास थ्रू दिस गॉसियन सरफेस? रिप्लाई ऑन चैट, क्या हम कह सकते हैं? काफी तीन लोगों का रिस्पॉन्स आया है। कैन वी से no field lines pass through this Gaussian surface? No, we can't say. हम नहीं कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते ये flux zero नहीं है, ये net flux zero है। इसका मतलब बड़ा clear है कि जितना field lines बाहर निकल रहे हैं उतने ही field lines enter कर रहे हैं। net flux zero का मतलब कि कोई field ही pass नहीं कर रहा, field line pass नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होता है। कोई फील्ड लाइन पास नहीं कर रहा ऐसा नहीं होता है। हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, या मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं ना, कि सीधा सीधा कह सकता हूं कि फ्लक्स इन जो है, नेट फ्लक्स जो इन कर रहा है इज इक्वल टू नेट फ्लक्स जो आउट कर रहा है। क्लियर है? नेट फ्लक्स जीरो का मतलब होता है कि जो इन कर रहा है उतना ही आउट कर रहा है। क्या ये क्लियर है सबको? क्या मेरा ये पॉइंट क्लियर है कि नेट फ्लक्स जीरो का मतलब ये नहीं निकाल लीजिएगा कि अच्छा अंदर में कोई फील्ड लाइन ही पास नहीं कर रहा सरफेस से। ये सब प्रॉब्लम हमें करता है क्वेश्चन में, ठीक है। एक और पॉइंट लेता हूं, ठीक है। गॉस लॉ बहुत क्लियर है इस बात में कि आउटसाइड चार्ज का कोई रोल नहीं होता है, जो फील्ड में जो रोल होता है वो इनसाइड चार्ज का होता है। देखते हैं, समझते हैं कैसे, ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तो मान लीजिए कि मैंने कोई एक गॉसियन सरफेस ले रखा है और अंदर में कुछ क्या है, क्यू इनक्लोज्ड है इनसाइड और एक क्यू आउट है, ठीक है। मुझे एक चीज देखना है, क्या आउटसाइड वाला चार्ज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा? क्या आउटसाइड वाले चार्ज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा? देखने की कोशिश करते हैं। तो बड़ा क्लियर है कि जो आउटसाइड चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस आएगा, जो जितना एंटर करेगा उतना ही एग्जिट भी करना पड़ेगा उसको, क्योंकि हम जानते हैं कि फील्ड लाइंस क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। जितना फील्ड लाइंस एंटर करेगा उतना एग्जिट भी करेगा। तो आप मुझे बताओ, क्या बाहरी चार्ज की वजह से कोई नेट कंट्रीब्यूशन आ रहा है क्या? आप मुझे बताओ, क्या आउटसाइड में जो चार्ज रखा हुआ है उसके वजह से कोई फ्लक्स में चेंज आएगा क्या? भाई वो फील्ड आ रहा है और पास कर जा रहा है, जितना एंटर कर रहा है उतना ही एग्जिट कर रहा है, तो क्या कोई कंट्रीब्यूशन होगा क्या? नहीं। तो इसीलिए कहते हैं चार्ज आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, चार्ज आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, सरफेस डू नॉट कंट्रीब्यूट in electric flux to
थ्रू सरफेस, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको समझ में आया क्या? क्यों ये फ्लक्स में हमने सिर्फ इनसाइड चार्ज लिया है, आउटसाइड चार्ज नहीं लिया? क्या ये बात समझ में आई क्या? क्योंकि आउटसाइड चार्ज जो लेंगे, उस आउटसाइड चार्ज की वजह से टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? जीरो। जितना एंटर करेगा उतना ही एग्जिट कर जाएगा, जितना एंटर करेगा उतना ही क्या करेगा? एग्जिट कर जाएगा, कोई चांस ही नहीं है। बोलिए क्लियर है क्या? क्या मेरा ये दोनों पॉइंट सबको क्लियर है गॉस लॉ के बारे में? गॉस लॉ जब लगाते हैं तो आउटसाइड चार्ज का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। फील्ड लाइन्स ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से पास नहीं कर रहे हैं, फील्ड लाइन्स पास जरूर कर रहे हैं, लेकिन जितना फील्ड लाइन एंटर कर रहा है उतना ही फील्ड लाइन एग्जिट भी कर रहा है। क्या क्लियर है सबको? रिप्लाई ऑन चैट, क्या ये बात समझ में आई सबको? कुछ बोल दो। देखो जिंदा होना जरूरी नहीं है, सांसें चल रही हो मतलब जिंदा नहीं हो, जिंदा दिखना भी जरूरी है। सांसें तो पेड़ की भी चल रही है, तुम लोग भी लगभग पेड़ ही हो गए हो। चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम दो तीन क्वेश्चंस इसको समझने ही करेंगे इस टॉपिक को। ये दो तीन क्वेश्चन समझ के खेल खत्म है हमारा, मतलब हमारा खेल खत्म नहीं है, टॉपिक समझ में आ जाएगा। चलिए बड़ा आसान सवाल दे रहा हूं, बहुत सारे चार्ज रखे हुए आपको, गॉसियन सरफेस से आपको बताना है टोटल फ्लक्स, लेकिन एप्सिलॉन नॉट के टर्म में लिखिए, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलिए, टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, अभी अभी पढ़ाया, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा के बताइए। निमेश सही है, रोशन सही है, कभी भी सवाल आए तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए चार्ज इनक्लोज निकालना। दीक्षा सही है, इन चार्ज सरफेस के अंदर कितने हैं, टोटल इनक्लोज्ड चार्ज सरफेस के अंदर कितना है पहले ये बताइए सब लोग। सही है, देख वो टेंट माइक्रो में है बस वो खाली। सब लोग बताइए कि आखिर सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। क्या सब लोग सरफेस के अंदर का चार्ज निकाल सकते हैं क्या? 4+2-3 माइक्रोकुलम, बाकी तो गॉसियन सरफेस के बाहर है। 6-3, 3 कितना हो जाएगा? 3 माइक्रोकुलम हो जाएगा। अब अगर कोई मेरे से पूछे कि नेट फ्लक्स कितना होगा तो हम क्या कहेंगे? 1/ε0 × charge enclosed, यानी 3×10⁻¹ वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग बड़े आराम से। बोलिए क्या सबको ये क्लियर है क्या? क्या सबको ये क्लियर है? सीधा सवाल था ये। क्या ये भी क्लियर है क्या कि बाहर वाले चार्ज का कोई रोल नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है फ्लक्स में? बाहरी चार्ज का फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इनसाइड चार्ज से हमारा कितना आया? क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है सबको? चलिए एक और क्वेश्चन दिख रहा है आपको, जल्दी बताइए, आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, बहुत आसान सवाल है ये भी। रीड क्वेश्चन केयरफुली,
रीड क्वेश्चन केयरफुली, हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ध्यान से देखिए सब लोग पूरे फिगर को, तीन तरह के सरफेस दिए गए हैं, क्यूबॉइडल, स्फेरिकल और कोनिकल। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बता दो कि फ्लक्स किसमें ज्यादा होगा और किसमें कम होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सब लोग बताइए किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा फ्लक्स। तीन क्लोज सरफेसेस हैं, सीधा सवाल पूछ रहा हूं, किसमें फ्लक्स ज्यादा होगा किसमें फ्लक्स कम होगा। रिमांश ने बोला है अनिमेश ठीक है, रोशन कह रहा है सर बिना लेंथ के कैसे बता सकते हैं। रिमांश ने बोला है कि सबसे ज्यादा क्यूब का होगा, कोन का होगा, देन स्फेयर का होगा। सबसे बड़ा क्यूब का होगा, उसके बाद कोन का होगा, उसके बाद स्फेयर का होगा। और कोई और किसी के पास आंसर है क्या? लास्ट वन मिनट सब लोग सोच लो एक बार। आर्यन बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रोशन अनम्यूट करूंगा अभी थोड़ा आपको। दिव्यांशु ने बोला है स्फेयर, कोन, क्यूब। रोशन ऑडियो ऑन किया हूं आपका, ठीक है रोशन। रोशन मैं पूछ रहा हूँ क्यूब में टोटल कितना चार्ज अंदर में इंक्लोज्ड है? सर पॉजिटिव है। अच्छा दो, ये सर दो चार्ज है, टू क्यू है क्या? तो स्फीयर में कितना है? टू क्यू ही है। अच्छा और कोन में कितना है? टू क्यू। अच्छा एक फॉर्मूला पढ़े देखिए गॉस लॉ में, नेट फ्लक्स इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस सर। क्या इसमें भी वही हो जाएगा क्या? बोलिए रोशन समझ में आया क्या? यस सर, लेकिन अगर सर जैसे एरिया के मतलब जिससे देख एरिया पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है क्या? या चार्ज अगर दिया हुआ है, इनक्लोज दिया हुआ है, अगर किसी भी सरफेस में इनक्लोज चार्ज दिया हुआ है और सरफेस किसी तरह का हो, क्या हम कह सकते हैं क्या कि सिर्फ और सिर्फ इनक्लोज चार्ज पे डिपेंड कर रहा है? Yes, sir. बोलिए कह सकते हैं क्या कि तीनों में फ्लक्स बिल्कुल क्या रहेगा? सेम रहेगा। और ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है तीनों में कि चार्ज ये कितना शेप एंड साइज है। अगर इस छोटे से एरिया में भी अगर आप दो क्यू चार्ज रख दोगे तो उतना ही फ्लक्स होगा जितना बड़े स्फीयर में रखोगे। बोलिए क्लियर है क्या? यस सर। चलिए हो गया। क्या सबको मेरी बात समझ में आई? क्या सबको समझ में आया कि टोटल फ्लक्स जो है वो इनक्लोज्ड चार्ज पे डिपेंड कर रहा था? हो सकता है नहीं अनिमेश, है एप्सिलॉन नॉट, वही एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, रिलेटिव नहीं, परमिटिविटी इन वैक्यूम फ्री स्पेस। क्लियर है? परमिटिविटी और वैक्यूम इन फ्री स्पेस है, ठीक है। चलिए एप्सिलॉन नॉट तो जानते हो ना, वैल्यू सब कुछ पढ़ चुके हो एप्सिलॉन नॉट के बारे में, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। चलिए इस क्वेश्चन में ट्राई करें कहां ज्यादा होगा, इस क्वेश्चन में ट्राई करें कहां ज्यादा होगा फ्लक्स, कहां कम होगा फ्लक्स। एवरीवन ट्राई इन दिस क्वेश्चन।
एनिमिस्ट बोला है थर्ड, रोशन बिल्कुल सही। सब लोग बताइए किसमें फ्लक्स ज्यादा होगा गॉसियन सरफेस के थ्रू। कुछ तरह के अरेंजमेंट आपको दिए गए हैं, रिप्लाई इन चैट। आयुष सिंह 3/2। मैं फिर से वही सवाल पूछूंगा कि चार्ज इनक्लोज्ड कितना है इसमें, 2q। जब दोनों में चार्ज 2q है तो क्या सब में सेम नहीं होगा? फिर से जल्दी, जस्ट गिव मी अ मिनट मैम। चलिए क्लियर है सबको, तीनों में सेम होगा भाई। चार्ज इनक्लोज फिर से मतलब, कहने का मतलब है कि अंदर में कहां चार्ज रखा है इस पर भी डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ अंदर में टोटल चार्ज कितना है इस पर डिपेंड करेगा। क्लियर है क्या? ना शेप साइज पे डिपेंड करेगा, ना चार्ज के अंदर में कैसे प्लेस किए गए, सिर्फ और सिर्फ कितना चार्ज इनक्लोज है इस पर डिपेंड करेगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए, दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। चलो इजी क्वेश्चन है, ट्राई करें। नहीं आयुष, ऋतिक बिल्कुल सही है, ऋतिक वेरी गुड। सिंपल सी बात है कि एक क्यूब है, एक क्यूब है, समझते हैं। मान लीजिए एक क्यूब में आपने एक क्यूब के सेंटर पे हमने मान लीजिए क्यू चार्ज रख दिया है, ठीक है, हमने सेंटर पे क्यू चार्ज रख दिया है हमने, ठीक है।
क्यू चार्ज रख दिया तो टोटल फ्लक्स तो आपको भी पता है पूरे क्लोज सर्फेस से कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टोटल। अरे बिल्कुल सही है, टोटल फ्लक्स तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन टोटल फ्लक्स निकलेगा कितने सर्फेस के थ्रू, छह, क्योंकि ये सेंटर पे रखा हुआ है चार्ज, तो हम कह सकते हैं कि सारे सरफेस के में इक्वली बाहर आएगा। तो क्या एक फेस से अगर मेरे से कोई पूछेगा तो क्या कह सकते हैं, क्या क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई सिक्स, क्योंकि टोटल सिक्स फेसेस हैं तो छह पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो क्या कह सकते हैं कि इसके थ्रू फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट। बोलिए क्लियर है क्या सबको, एक फेस से कितना हो जाएगा, क्यू बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट, पूरे फेस से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो रहा है तो एक फेस से कितना हो जाएगा, क्यू बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्या ये सबको क्लियर है? मैंने बोला कि पूरे क्यूब से नहीं पूछा है मैंने आपसे, पूरे क्यूब से पूछता तो आप निकाल लेते क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि गॉस लॉ लगा देंगे, गॉसियन लॉ लगा देंगे सर। लेकिन मेरा सवाल यहां पे है कि एक फेस से कितना होगा, एक फेस से तो 1/6 निकाल लेंगे हम लोग। That's it for today. आज के लिए इतना ही, कल हम लोग होमवर्क का डिस्कशन करेंगे, कल JEE वाले मॉड्यूल का IC प्लस होमवर्क सेकेंड एक्सरसाइज का सब लोग करके रखेंगे, ठीक है? कल डिस्कशन करूंगा, सब लोग अपना होमवर्क के साथ तैयार रहेंगे, IC प्लस होमवर्क JEE वाले मॉड्यूल का, ठीक है? चलिए, we'll end the class in a minute, class हम एंड करते हैं, रोहित विल टेक फाइनल अटेंडेंस, रोहित जस्ट टेक फाइनल अटेंडेंस, ओके चलिए, ओके बाय बाय, हैव अ नाइस डे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।